आपका नाम और परिचय बताएं। मेरा नाम सर श्याम बिहारी यादव, आर्मी से रिटायरमेंट हूँ। क्या है मामला, क्यों है आप परेशान? सर हमारा मामला है 1896 में दरोगा जी हमको मारे थे, उनके ऊपर 523, 504, 506 का मामला चल रहा है। 2500 साल से सर वो हाजिर नहीं हो रहे हैं, कोर्ट का इतना निर्देश के बावजूद भी। इस बार साहब मजिस्ट्रेट साहब जो जज साहब हैं अच्छा आर्डर किए हैं, जो कि साहब ने वहाँ पर आर्डर किए DGP लखनऊ, फिर वहाँ से लेटर आया तो इस बार SP को फिर दिए हैं आर्डर किए हैं साहब। देखिए शायद इस बार हो सके तो आ जाए, लेकिन आप लोग बहुत ज़्यादा मैं परेशान हूँ सर, वो हाजिर ही नहीं हो रहे हैं, उनके ऊपर मामला चल रहा है, ये कोर्ट का अवहेलना हो रहा है सर, केस अपमान कर रहे हैं एक तरीके से 20 साल के जो कानून का आदमी जानता है दरोगा है और उनको ये जानकारी है कि हम नहीं आप मतलब आप 25 साल से परेशान जी जी और वो दरोगा साहब जो हाजिर नहीं हुआ रिटायर्ड हो गए जी रिटायर हो गए हैं अभी तक हाजिर नहीं होता अभी तक वो हाजिर नहीं कितने जगह IG DIG DGP SP सबको लेटर गया अभी तक हाजिर नहीं होता। उनका नंबर वगैरह है उससे बातचीत होती है? जी जी मोबाइल नंबर जो हम आपको दिए हैं सर हमारे से तो उनसे बात नहीं हुई। बलुआ थाना अध्यक्ष जो है विंध्याचल यादव जी बात किए थे तो उन्होंने कहा कि ये सब हम वहाँ पर गए हैं लखनऊ PGI में इलाज के लिए, उनको सब पता है, पहले भी एक बार हॉस्पिटल का बहाना बना करके नहीं हाजिर हुए, इलाज का बहाना बना करके वो लापता रहे जी जी समय से आपके यहाँ आते नहीं जी नहीं बहुत बार से हो गया सर, हमको 25 सालों से लड़ते हो गया सर, और इस बार मजिस्ट्रेट साहब ने बहुत अच्छे कार्रवाई किया, निचली कोर्ट ने तो बोला कि हमारे यहाँ नहीं हाजिर हो पाएगा, लेकिन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जज साहब ने बहुत अच्छा मतलब हमारे लिए मतलब अथवा साहब ने उस मामले को और सीधे SP साहब को भी ऑर्डर किए हैं, DGP को ऑर्डर किए हैं कि उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार करके हमारे पास पेश करो, बयान की कार्रवाई हो चुकी है। आपको क्या लगता है SP साहब के यहाँ आदेश होने के बाद वो हाजिर हो जाएंगे या नहीं? हमको तो लगता है कि SP साहब को आने के बाद SP साहब के पास भेजने के बाद आ जाना चाहिए, क्योंकि सर DGP साहब तक भी लेटर गया, DGP साहब ने भी दिया है लिखित में दिया था कि इसको जल्द से जल्द इस पर कोताही ना बरती जाए। आपका कहना कि वो कोर्ट का भी आदेश का पालन नहीं कर रहे साहब, बहुत उच्च अधिकारियों के आदेश का भी पालन नहीं कर रहे, आदेशों का अवहेलना कर रहे हैं सर, बहुत ज्यादा समझ लीजिए कि 2500 साल से जो व्यक्ति कोर्ट का बड़े बड़े मंत्री विधायक सभी अच्छे अच्छे लोग आ जाते हैं, मैंने देखा हूँ सर, लेकिन धज्जियाँ उड़ा रहे सर एकदम बहुत समझ लीजिए। आइए देखते हैं अब क्या करते हैं पुलिस अधीक्षक महोदय, उनके सामने ये मामला संज्ञान में आ गया है, अब देखिए क्या कार्रवाई की जाती है।